हजारों हजार की संख्याओं में पहुंचे कलश शोभा यात्रा में श्रद्धालु। इस कलश शोभा यात्रा में कई झांकियां, कई जोड़े घोड़े के साथ साथ डीजे पर झूम रहे थे श्रद्धालु। एक तरफ पूरे देश में चैती दुर्गा पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। इसी कड़ी में बांका के मंदार पर्वत की तराई में अवस्थित पापहरणी सरोवर से 10 से 15 हजार की भीड़ में महिलाओं ने कलश में जल भरकर पैदल कलश शोभा यात्रा कर ढाका मोड़ स्थित चैती दुर्गा मंदिर के प्रांगण में पहुंची। मैं आप सबों को बता देना चाहती हूं कि चैती दुर्गा पूजा भागलपुर कमिश्नरी में ढाका मोड़ के चैती दुर्गा पूजा एक नंबर पर है, जहां की कोरोना काल को छोड़कर प्रत्येक वर्ष बड़े ही धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जाती है, जिसमें एक से बढ़कर एक भोजपुरी सुपरस्टार पहुंचकर अपनी अपनी प्रस्तुति कर बांका जिले के साथ साथ पड़ोसी जिले के दर्शकों को भी आनंदित करते हैं। इस कार्यक्रम में बिहार झारखंड से आए हुए तमाम अतिथियों में गोड्डा से वर्तमान चेयरमैन एवं उनके पति किंकर सिंह, अमित भगत जिला पार्षद, पंकज यादव जिला पार्षद, कई समाज से भी गोड्डा एवं बांका जिला से पहुंचकर कलश शोभा यात्रा को सफल बनाने में सहभागिता दी। इस कलश शोभा यात्रा में मुख्य रूप से गोड्डा के पूर्व आरजेडी विधायक सह वर्तमान झारखंड के महासचिव संजय प्रसाद यादव, पूर्व चेयरमैन कल्पना भारती, वर्तमान विधायक बेलहर मनोज यादव, वर्तमान जिला पार्षद सिंपल देवी, तेलिया पंचायत के मुखिया एवं मुखिया पति दिलीप यादव, वकील यादव एवं उनके माता पिता, पूर्व जिला परिषद एवं वर्तमान मुखिया ब्रह्मदेव सिंह, लकड़ी कोला पंचायत के मुखिया श्रीकांत मंडल उर्फ बंटी, पंजवारा पंचायत के मुखिया भोला पासवान समेत संजय यादव के पूरे परिवार पापहरणी सरोवर से अपने मंदिर ढाका मोड़ तक पैदल यात्रा किए। संजय प्रसाद यादव ने बताया कि मैया की असीम अनुकंपा है, कभी बारिश कभी आंधी कभी लाख बाधाएं आती है, मगर सारा चीज 2 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। वही काम का कोई भी प्लानिंग नहीं करता, सब काम अपने आप हो जाता है। सभी लोग भक्ति भाव में झूमते गाते कलश को लेकर अपने निवास स्थान की ओर पहुंचकर भागवत कथा का आनंद लेते हैं। साथ ही इस बार मेले में घुड़सवारी, दंगल महिलाओं के द्वारा नवी दशमी 11वीं को विशेष कार्यक्रम होगा। एक पूजा से लेकर 9 पूजा तक भागवत का आनंद लेंगे और यह मेला मैया की कृपा से बहुत ही शांत तरीके से सफल किया जाएगा। क्षेत्र में आपके लिए और श्री संजय यादव जी के लिए काफ़ी प्यार देखा जाता है, उसको लेकर अतिरिक्त दबाव आपके ऊपर राजनीति का रहता है, लेकिन इन पूजा के समय में क्या कुछ आपके जहन में चलता है, क्या उत्साह रहता है? ये सभी माता कृपा है,
सभी माँ का, सभी माँ का कृपा है। नौ दिन भूल कर, नौ दिन सारे चीज भूल कर इसी ये जब जब से फागुन खत्म होता है, होली खत्म होता है, उसके पहले से और जैसे खत्म होता है माँ का आगमन का, हम लोग के परिवार में, हम लोग के सारे समाज के ऊपर आप रूपी उनका भाव आ जाता है और उस श्रद्धा और भाव को देखते हुए ये हमारा जनता जो है, जो भक्तजन मेरे साथ है, वो सभी का, मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ, सभी को।